गवर्नमेंट का बस चले तो गरीबों को धरती पर छोड़ देना। कमीज, तुमने हमारे रब को रोकने की हिम्मत कैसे की? तुमने एक मासूम बच्चे को कुचलने की हिम्मत कैसे की? खामोश, तुमने सलाकत की तौहीन की है और तुझे इसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। ठहरो नौजवान, हम तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं। तुम्हारी जगह ये जंगल नहीं, हमारा शाही महल, चलोगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुबारक हो, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि नाका के साथ फाका भी चलेगा। हमें मंजूर है। अच्छा जी, मान आओ। शेर दिल नौजवान, हमारा ये महल पसंद आया? बहुत खूबसूरत। अजी लाजवाब है, मुबारक। आज से इसे अपने ही महल समझ। अच्छा। शेरू जी। हाँ। हमारे अजीज मेहमान को बाइज्जत मेहमान खाने में ले जाओ और याद रखो, इनकी खातिर में किसी बात की कमी न हो। कल हम इस फौलादी इंसान को अपनी प्रजा के सामने पेश करेंगे ताकि दूसरों को पता चल जाए कि सलाकस के अदरे पत्थर के ढेर से भी हीरा तलाश कर सकती। हुजूर आला, आप तो बहुत बड़े चिड़ीमार मालूम होते। क्या बोल रहे हुजूर, मेरा मतलब आप बहुत बड़े नजरमार मालूम होते हैं। आपकी नजर बहुत तेज है, मुबारक हो, संभाल लेना भाई। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कुछ सपना देख रहा हूं। सपना नहीं, हकीकत। जाओ आराम करो, थोड़ी देर बाद ही तुम्हें हमारे साथ शानदार जश्न में शामिल होना है। जाओ। शुक्रिया। आइए आइए, मुबारक हो, आप आइए। अच्छा, मुबारक हो। शिव, हमारे मुल्क की सबसे खूबसूरत हसीना, जिसके पांव में बिजली की तड़प और गले में किसी झरने की झनकार है, जिसकी आंखों में शोले भी दहकते हैं और शबनम भी मुस्कुराती है। मुस्कुराओ शिवा, हम तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। शिकारी बुलबुल को सोने के पिंजरे में कैद करके बुलबुल से कहता है कि मुस्कुराओ। क्या ये सोने चांदी की दीवारें किसी की खुशी खरीद सकती हैं? बड़ी भोली हो, चांद की रोशनी उसके अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए होती है। इस हुस्न की कदर तुम नहीं, हम जानते हैं। और फिर हम तो तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाना चाहते हैं। मुझे मलिका बनने का शौक नहीं है, मुझे मेरे बाबा के पास जाने दो, यहाँ मेरा दम घुटता है, जाने दो मुझे। सलाकस इनकार सुनने का आदि नहीं, हम जिस चीज को हासिल नहीं कर सकते उसे छीन लिया करते हैं। तुम चाहो तो मेरी जान ले सकते हो, मगर मेरे जीते जी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। हमारा फैसला पत्थर की लकीर है, कोई पानी का बुलबुला नहीं जो खुद ब खुद मिट जाए। ले जाओ इसे। छोड़ दो मुझे, मुझे मेरे बाबा के पास जाने दो। और सुनो, इसे सजाओ, खूब सजाओ। आज हम रात के जश्न में शिवा के हुस्न की बहार देखना चाहते हैं। ले जाओ। छोड़ दो मुझे। हुजूर, आपने गौर से अपने मेहमान को देखा? मुझे तो शक है कि इस मुल्क का 50वां बादशाह यही है जिसके लिए कुदरत ने पहले से फैसला कर रखा है कि ये अपनी ताकत से पहाड़ों के भी टुकड़े कर देगा, और इसकी हमें हुजूर मुद्दत से तलाश है। हमें भी यही शक, कल ही इसका फैसला हो जाएगा। हमको हंसाए न कोई, आज रोनी को जी चाहता है, और भी मुस्कुराए न कोई, आज रोनी को जी चाहता है।
आज हमको फंसाए न कोई, आज हमने को ही चाहता है और भी मुस्कुराए न कोई, आज हमने को ही चाहता है। आज हमको हंसाए न कोई, आज हमने को जी चाहता है और भी मुस्कुराए न कोई, आज हमने को जी चाहता है। बहुत खूब शिवा, बहुत खूब। राजा, तुमने शिवा के नाच का कमाल देखा, कल हम तुम्हारी ताकत का जोर देखेंगे। Thank you.
आखिर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिल ही गया। बेटा? कौन बेटा? कैसा बेटा? किसका बेटा? तुम्हारा बेटा, जिसकी हमें मुद्दत से तलाश थी, जो इस मुल्क का 50वां बादशाह है। सच बताओ, वो अजनबी तुम्हारा बेटा नहीं? नहीं। तुम झूठ बोल रही हो, झूठ के पर्दे में सच को छुपाना चाहती। राका तुम्हारा बेटा है, वरना एक मामूली इंसान इतनी बड़ी ताकत का मालिक नहीं हो सकता। अगर तुम उसे मेरा ही बेटा समझते हो, उससे इतना ही डरते हो, तो फिर मुझे परेशान करने क्यों आए हो? इसलिए कि हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि राका तुम्हारा बेटा है, ताकि हम अपनी मौत का गला अपने हाथों घोंट सकें। शायद ताकत और दौलत के नशे ने तुम्हें पागल कर दिया है सलाकत। तुम अपनी हस्ती को भी भूल गए हो, लेकिन याद रखो, एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारी लाश इसी शान और शौकत और दौलत के ढेर के नीचे दबकर रह जाएगी, और उस वक्त तुम्हारे मुंह में पानी की बूंद डालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। खामोश! हम गुस्ताख की जबान काट दिया करते। सच सच बताओ, राका तुम्हारा बेटा है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं, मैं किसी की मां नहीं हूँ। तुम ऐसे नहीं मार रहा राका, मेरे होते हुए तुम किसी और पर हाथ नहीं उठा सकते। हट जाओ हमारे रास्ते से, हम अपने रास्ते के पत्थर को ठोकर मारकर उड़ा दिया करते। लाकर फेंक दो ये तलवार, हम कहते हैं हट जाओ। दुनिया का कोई बंदर मुझे मार नहीं सकता, फेंक दो तलवार। चलिए। तुम नहीं जानती सलोमी, राका हमारे लिए एक मुसीबत बना हुआ है, वो ताकत का पहाड़। और अगर मैं चाहूं तो ताकत के उस पहाड़ को पल भर में कुचल सकती। वो कैसे? जाने मन हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं। ये देखिए, दुनिया की हर ताकत इसके सामने बेकार है। ये पत्थर का बुत क्या कर सकता है? जाने मन, अभी तक आपको मुझ पर यकीन नहीं आया। तुम बहुत बहादुर हो ना, तोड़ दो इस पत्थर को। देखा जाने मन, शेर जैसा आदमी चूहा बन गया। सलोमी, मेरी जान, मुझे यकीन हो गया, अब मुझे कोई खतरा नहीं।
आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ जानेमन। मेरी जान के मालिक आप हैं और आपकी जान के मालिक मैं हूँ। तुम तो मेरी जिंदगी हो सलोनी, मेरी मोहब्बत। मुबारक हो, हमारा आतिश को उसमें पड़ गए है। मालूम होता है तुम्हें महलों की आबो हवा मार्केट नहीं आई। कदम रखती कदम रखती कदम रखती कदम आधा वर्ष है। चलिए गनीमत है, आपको हम यतीमों का ख्याल तो आया, क्या लाई खाना खाना। खाने की क्या जरूरत थी, हमारा पेट तो आपके दीदारों से ही भर गया। खैर आप कहती हैं तो एक लड्डू खा लेता हूँ। चली मुझे क्या और कोई काम नहीं है? मोहब्बत से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं है बन्नो। क्या नाम है तुम्हारा? चंपी। क्या हुआ? कुछ नहीं, नाम सुनकर असली थी तो मेरा मतलब है चंपा कली की खुशबू आने लगी। तुम सिर्फ बातें ही करते हो या कुछ काम भी करते हो? मैं काम भी करता हूँ और जरूरत पड़ती है तो मोहब्बत भी करते। हटो हट गया, मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। वक्त नहीं है? अजी क्या कह रही है आप, सुनिए तो, मौत का और मोहब्बत का कोई वक्त नहीं होता। ये जालिम दोनों हमेशा बेवक्ती मारती है, लिख कर रख लीजिए। मुबारक हो, आओ साथ नाश्ता कर लो। समझ में नहीं आता, आखिर दोस्त बनाकर सलाख मेरी जान क्यों लेना चाहता था, और फिर वो तो जादू भी जानता है। मुबारक हो सर, तुम पे आज तक ना किसी का जादू चला है ना चलेगा। अरे ये तो बदनसीब हम ही है कि नजर का जादू चला और बेकाबू हो गए। अरे हसली बोलिए फिर रहा हूँ सर बचपन से। राका क्या एक बहादुर आदमी एक बेबस और मजदूर नहीं नहीं मजबूर लड़की की मदद नहीं करेगा? शिवा शिवा मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। क्या बात है? मेरी मुसीबत की बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगी। सलाकती तो यहाँ नहीं है, मुझे इसी वक्त यहाँ से ले चलो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है, आओ मेरे साथ। इसके घर में मेहमान बंद कर आए हो, उसी के मान दूसरे लिए जा रहे हो, क्या यही है एहसानों का बदला? किसी के एहसान के बदले से एक बेसहारा की जिंदगी जरा कीमती। सीवा का हाथ खोल रहा था, देखता हूं कौर भाई का लाल मेरे सामने आता है। माफ करना भाई, गलती हो गई, आप तो अपनी आदमी है, मैं बंदा दुश्मन के आदमी है। बाल अच्छे अच्छे है ना? क्या हुआ? आती है ओ, सब अच्छे। Yeah!
चाहती हूँ कहाँ है जानेमन का बादशाह। तो ये है आपका बादशाह, काफी खूबसूरत है। देखती हूँ इसकी ताकत पर कैसे मेरा जादू असर नहीं करता। Come on.
क्या क्या हुआ? ए भाई, इधर आजू बाजू में हलवाई की दुकान है क्या? है। चल दोनों भाई जलेबी खा के आ जा। हलवाई का दुकान। माल पर गिला। आप भी हैं, तू जरूर मारा जाएगा मेरे हाथ। बेचार और है क्या? नहीं है। चलो शीबा शीबा आ जाओ, मैदान साफ है। ये खबर देने के पहले कि वो दोनों यहाँ से भाग, तुम सर के साथ चुल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मरे? कुछ समझ में नहीं आता, राधा और शिवा जो एक दूसरे से अनजान कहीं से आ गए, यहाँ तक कि राधा शिवा को यहाँ से लेकर भाग भी गया और तुम सर के साथ मुंह देखते रहे। हमने बड़ी कोशिश की, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। शिवा को हमारे सामने महल में तुम्हें हाजिर करना ही होगा, ये हमारा हुक्म है। जाओ। बाबा कहाँ चले गए? बेटा, तुम्हारे बाबा को सलाकस के अंदर पकड़ कर ले गए। सलाकस? तुम फिक्र मत करो शिवा, मैं तुम्हारे बाबा को छुड़ा कर लाऊंगा। काका, तुम शिवा को अपने अड्डे पर ले जाओ और वहीं मेरा इंतजार करना। नमक खराब। जली, तुम्हें मालूम है तुम किसके सामने खड़े हो? जानता और अच्छी तरह जानता हूं कि मैं एक ऐसे भेड़िए के सामने खड़ा हूं जो शेर की खाल पहनकर अपने आप को शेर समझने लगा है। आंखें नीचे करके बातें कर, हम उठी हुई आंखें देखने के आदी नहीं। इसलिए कि तुम्हारी आंखों में गुनाहों का पर्दा पड़ा हुआ, मासूम बहु बेटियों की इज्जत लूटने की हवस तुझे अंधा बना दिया है सलाकत। अगर हिम्मत है तो मेरी इन आंखों में आंखें डाल करते तो तुझे तेरी बर्बादी दिखाई देगी। हमारी बर्बादी? शायद तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी जिंदगी और मौत हमारे एक इशारे पर है। बताओ शिवा कहाँ है, वरना तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने फेंक दिए जाएंगे। मैं कह चुका हूं कि मुझे कुछ नहीं मालूम, और अगर जानता भी तो तुम्हें हरगिज नहीं बताता। शायद तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा नहीं, हम शिवा की खातिर जमीन और आसमान एक कर देंगे। तुम्हें बताना ही होगा कि वो कहां है, वरना इस मुल्क के एक एक इंसान को हम फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड, मगर याद रखो सलाकत, जुल्म की नाव ज्यादा देर तक नहीं चलती। एक मुद्दत से तुम इस मुल्क को जुल्म की चक्की में पीसते आ रहे। तुम्हारे आने से पहले हमारा देश कितना खुशहाल था, लेकिन तुम्हारे मनहूस कदमों ने इसे किसी बेवा की मांग की तरह उजाड़ बना दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुल्क के बच्चे बच्चे के दिल में तुम्हारे लिए बगावत का तूफान उठ खड़ा हुआ, और एक दिन उस तूफान में तुम्हारे ये महल, ये जुल्म की हुकूमत, सब कुछ तबाह हो जाएगा। खामोश, ले जाओ इस बुढ़े को काल कोठी में बंद कर दो। इसके बदन पर उस वक्त तक कोड़े लगाओ जब तक इसके जिस्म से इसकी रूह हमेशा हमेशा के लिए आजाद नहीं हो जाए। ले जाओ, चलो। मेरे जिसको छल्ली छल्ली कर सकते हो शेरू, मगर मेरी आवाज को नहीं दबा सकते। मरने के बाद भी मेरे जिस्म से सलाकत से जुल्म का बदला लेने के लिए पुकारती रहेगी।
किसने की? शिबा कहाँ है? शिबा को सलाकस के आदमी पकड़ के ले गए। सलाकस के आदमी? अब क्या होगा? आप फिक्र न करें, शिबा को मैं छुड़ा कर लाऊंगा। फाका, तुम इनको अपने अड्डे पर ले जाओ। आ मामा, आप फिक्र की कोई बात नहीं। मैंने कहा सुनिए तो जरा, जी मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बार जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी, जी मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बार जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। खुशियाँ नहीं तो गम दे जाओ, खुशियाँ नहीं तो गम दे जाओ, कैसे गुजरे थे बिना किसी याद के, कैसे गुजरे थे बिना किसी याद के, लंबी होती है फुर्कत की राह जरा सी। हो जी मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बार जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। चमन से प्यार का बादल बिना बरसे
जी मैंने कहा सुनिए तो जरा एक बार जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाने दो। परेशान हो? वो रहा तुम्हारा घोड़ा, चले जाओ। देखती हूँ कैसे जाते हो। झुकना ही होगा, हम तुम्हें अपना बनाकर ही छोड़ेंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। शीबा, तुमने हमें पहचाना नहीं, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं प्रेम से अपना बनाना चाहते। इसे ले जाओ। इस वक्त यहाँ बड़े मौके से आई हूँ जानेमन, लेकिन आप कुछ परेशान हैं? नहीं नहीं नहीं, वो रियासत का 50वां बादशाह। आप किसी भी तरकीब से अपने दुश्मन को मेरे महल तक पहुँचा दीजिए और फिर मैं आपकी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। 50वां बादशाह एक सपना बन के रह जाएगा। सपना? सच? Thank you.
मैं कहता हूँ शिवा का हाथ छोड़ दो। क्यों नहीं आती? मैं तो तुम्हारे सामने ही हूं, जरा नजरें उठाकर तो देखो। समझ में नहीं आता ये सब क्या है। आओ अजनबी, मैं कब से तुम्हें पाने के लिए तड़प रही हूं। तुम तो तुम हो। तुमने मुझे पहचाना, शुक्रिया। आखिर तुम चाहती क्या हो? पहले तुमने मुझे जंगल में परेशान किया था, अब यहां भी परेशान कर रही हो। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती। जब से तुम्हें देखा है होशी खो बैठी हूँ। मैं यहाँ शिबा को तलाश करने आया। शिबा, 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 क्या मैं शिबा से कम खूबसूरत हूँ? भूल जाओ शिबा को, हम दोनों मिलकर दुनिया का तख्ता उलट सकते हैं। तुमने मुझे गलत समझा है। नहीं, सलोमी तक पहुँचने वाला इंसान सलोमी की मर्जी के बगैर नहीं जा सकता है। देखता हूं मुझे कौन रोक सकता है। जगह
कहीं गुफा, कहीं महल, ये खंभे, ये पर्दे, ये लालटेन और आदमी एक भी नहीं मालूम होता है, रहने वाले सब गायब रहे। ऐसा बोलो काका। आंसू ऐसा क्यों बोलूं? मैं कोई किसी का दिया हुआ खाता हूँ? मैं तो हलक फाड़ फाड़ के कहूंगा कि हम यहाँ राजा को छुड़ाने आए हैं और राजा को छुड़ा के दम लेंगे, समझी? जिसमें हिम्मत हो वो मुझे आके रोके। चलो तुम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, यहाँ सलोमी का राज है। आपकी तारीफ? मेरा नाम चंपा खली। और आप? टिंगू। क्या मौके से आप लोग तशरीफ लाएंगे, हमें आप ही की जरूरत थी। उठिए हुजूर, हुजूर। उठिए हुजूर। कौन है? कौन है? शिवा कहाँ है? हुजूर ये आपकी नींद एक दिन खात्मा करके रहेगी आपका। क्या बकवास कर रहे हो? शिवा कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। शिवा का बाप अभी अभी आपको यहाँ खत्म करने आया, शायद वही शिवा को उठा कर ले गया। शिवा को तो बाप उठा के ले गया? क्या सारे रियासत में ऐलान कर दो, जब तक शिवा और उसका बाप अपने आप को हमारे हवाले नहीं कर दें, रियासत की हर खूबसूरत लड़की को हमारे सामने पेश किया जाए जो ऐलान कर दो। ऐलान कर चाह। अरे काका। चंपा गली। और तुम? टिंगू। अरे हक लाके। टिंगू काका, अब हमें जल्दी से राका को ढूंढना चाहिए। ढूंढना तो चाहिए, तो फिर अपना अपना खेल शुरू करते हैं। हाँ, ठीक। लेकिन जरा होशियारी से, तुम इधर मैं इधर। क्या देख रहे हो? देख रही हूँ, तुम मुझे बिल्कुल नहीं पहचानते। मर्द होकर लड़कियों जैसी बातें करते हो? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? बोलो। कैसी पागल जैसी बातें करते हो? तुम बहुत परेशान नजर आते हो, जाओ जाकर आराम करो। जाओ। अरे टिंगू, आज तो अजीब तमाशा हो गया। वो अपनी चंपा कली है ना, नहाने से ऐसे भागती है कि पता नहीं। अरे तू रो रहा है? पता नहीं मुझे क्या हो गया है, ऐसा लगता है मैं अपनी याददाश्त खो रहा हूँ। कहीं तुम्हें वो नदी पार वाले पेड़ का सेतु नहीं खा लिया?
तो क्या मुसीब खाने से आदमी सब कुछ भूल जाता है? ले, अरे जब तक वो काली गुफा के भयानक देव के पेड़ का सेब ना खा लो तब तक होश नहीं आता। अरे मैं तुम्हारे साथ कहाँ बातों में लग गई, मलका के सिंगार का वक्त हो गया, मैं जाती हूँ। काली गुफा, भयानक देव के पेड़ का सेब, ये तो बड़ा गजब हो गया। अब क्या होगा? अगर हम किसी तरह काली गुफा के देव का सेब उसे लाकर खिला दें तो वो होश में आ सकता है। काली गुफा के देव का सेब? हाँ। लेकिन ये काली गुफा है किधर? ये तो मैं भी नहीं जानती फाका, ये काम तुम्हें ही करना होगा। ओखली में सर दिया तो फिर मूसल का क्या डर, शिवा मैं अपनी जान पर खेल के भी तुम्हें सेब ला के दूंगा। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात, लेकिन काम मुश्किल है जरूर। क्या हुजूर है आना? आपके हुक्म के मुताबिक मैंने रियासत की तमाम नौजवान लड़कियों को महल में दाखिल कर दिया है। अगर आप इजाजत दें तो इनको भी वहीं पहुंचा दिया जाता है। शिवा कहाँ है? उसका बाप कहाँ है? मुझे अफसोस है कि उनका कोई पता नहीं चल सका। हैरत तो ये है कि गांव वाले हमारा जुल्म पे जुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर शिवा के बाप का पता उनकी जबान तक नहीं है। जबान तक नहीं आता तो उनकी जबान खुलवानी पड़ेगी। बंद कर तो ये खून की होली, बंद कर तो ये जुल्म, इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम्हारा बदन तुम्हारे सामने हाजिर। शिवा कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच कहता हूँ मैं कुछ नहीं जानता। तुम सब कुछ जानते हो, सब कुछ जानते हो। ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो, और कल सूरज निकलने से पहले इसे फांसी के तख्ते पर लटका दो। याद रहे, इस बार तुम्हारे कब्जे से निकल गया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तुम्हारी गर्दन बंद कर दो इसे टोकरी में, और खबरदार अगर किसी ने खाना पानी दिया तो एड़िया रगड़ रगड़ कर जब भूख प्यास से खुद ही मरने लगेगा तो बगावत का सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा। जाओ। कौन हो भाई आप? यह आवाज तो कुछ पहचानी सी है, कौन हो तुम? जरा गौर से देखिए, देखिए महारानी जी, कुछ याद आ रहा है? एक मुद्दत से पहले जब आप इस मुल्क की महारानी थी और मैं दीवान शमशीर, मुझे ऐसा लगता है इस जुल्म के अंधेरे में हम सबके नामों निशान तक मिट जाएंगे। इस अंधेरे में रोशनी की अभी एक आखिरी किरण बाकी है शमशीर, मेरा बेटा, इस रियासत का 50वां बादशाह। 50वां बादशाह जिंदा है? हाँ। लेकिन हमने तो उसे पानी में बहा दिया था, उसे किसने बचाया, उसकी परवरिश किसने की, कहाँ है वो? ये मैं नहीं जानती, मगर सलाकस उसे यहाँ लाया था और मुझसे जबरदस्ती कहलवाना चाहता था कि वो मेरा बेटा, लेकिन मैंने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ये रात उस वक्त तक हमें छुपा कर रखना होगा दीवान जी, जब तक कि वो सलाकत के जुल्मों का खात्मा ना कर दे। मेरा दिल कहता है दीवान जी, एक दिन आएगा जब मेरा बेटा इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने मुल्क को आजाद करा लेगा। जरूर आएगा, अगर इस मुल्क का 50वां बादशाह जिंदा है तो वो दिन दूर नहीं महारानी। दीवान जी, कहा फंसा
गया? ए भाई, अरे भाई अंदर जाकर सो गए। बाप बेटे ये दाओ अभी तेरा काम तमाम किए देता हूं, हो जाओ होशियार। एक मुद्दत से इस दिन का इंतजार कर रही थी। परसों देवता के जश्न में हमारी शादी हो जाएगी। कौन? टिंगू? माफ कीजिएगा, चलेगा यहाँ से। आज हुस्न जवानी के कदमों पर निछावर हो जाएगा। आज बहुत खुश दिखाई देते हो। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी डूबती हुई कश्ती को किनारा मिल गया है। तो क्या जिसे तुम प्यार करते हो वो तुम्हें मिल गया है? मिला तो नहीं, मिलने की उम्मीद है। तुम चलो उसे मेरे साथ देखने। क्यों नहीं, चलो चलो। कहाँ है वो, यहाँ तो दिखाई नहीं देता। आता ही होगा, बैठिए। क्या खाइएगा? क्यों नहीं। क्या नहीं किया मगर तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था शिवा।
सलोमी बड़ी जालिम है। मैं जानती हूँ, उसने तुम्हें मुझसे छीनने के लिए नदी पार वाले पेड़ का सेब खिला दिया और तुम्हारी याददाश्त भुला दी। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, चलो। नहीं, यहाँ सलोमी का राज है। जब तक हमें यहाँ से चलने के लिए कोई तरकीब ना सोचे, हमें यही ढूंढ रचना होगा कि हम एक दूसरे को नहीं जानते। ठीक है, शायद सलोमी आ रही है। जानमन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? टिंगू यहाँ एक हसीन मंजर दिखाने लाया था। वो तो मैं भी देख रही हूँ। टिंगू, जाओ और कल के जश्न की तैयारी करो। मल्लिका का हुक्म सर आंखों पर। हमने सलाकत को भी खास तौर से बुलवाया है। आइए जानमन। जानेमन, आपकी बहादुरी देखकर आज सलाकस के हौसले हमेशा के लिए पस्त हो गए। जाइए, शादी के जश्न में शरीक होने की तैयारी कीजिए। सलोमी, ये क्या बकवास? घबराइए नहीं जानेमन, ये सलोमी का आखिरी वार होगा। उसी पत्थर के बुत के सामने 50वें बादशाह की ताकत हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। सलोमी, आए
आज देवता की कुर्बानी की रात है और मेरी शादी का जश्न। सलाकस, इस खुशी में मैं अपने मन के देवता को हमेशा के लिए अमर कर देना चाहती हूँ। दाता, तुम मुझे धोखा देना चाहते थे, मगर सलोमी धोखा देने वाले को कभी माफ नहीं करती। गिरफ्तार कर लो इसे। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, लेकिन आज तुम्हारा गुरूर चकनाचूर हो चुका है। सलाकस, ले जाओ इसे और जो चाहो सलूक करो, यही मेरी तौहीन का बदला है। बहुत ले जाओ इसे। पहचानेगा तो ममता तड़पेगी कैसे? क्या अभी तुम्हें इंकार है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं? नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा कोई नहीं है। तो ये तुम्हारा कोई नहीं। कोई नहीं तो तुम इसे और भी तड़पते हुए देखना चाहती हो? पानी, पानी के एक एक घूम के लिए ये तड़पेगा और उस वक्त तक तड़पता रहेगा जब तक तुम ये कबूल न कर लो कि ये तुम्हारा बेटा। तुम कैसी माँ? बेटा एक बूंद पानी के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे रहा है और तुम उसे अपना बेटा मानने से इनकार कर रही। बताओ ये तुम्हारा बेटा है या नहीं? मैं कहता हूँ बताओ ये तुम्हारा बेटा है या नहीं? क्यों छिड़कना चाहता है सलाकस? जल्दी बोलो, ये तुम्हारा बेटा है ना? बोलो सलाकस, क्यों मेरे मुंह से कहलवाना चाहता है? बोलो ये राखा मेरा तुम्हारा बेटा है? हाँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। राखा मेरा बेटा है, मेरा खून है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। माँ बेटा मेरे सीने से लग जाते मेरे पास आ जा। अभी तुमने देखा ही क्या है? बहुत कुछ देखना बाकी। इस रियासत का 50वां बादशाह पानी के घूम के लिए तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा, जिसकी माँ हमारे कदमों पर गिरकर इसकी जिंदगी की भीख मांगेगी। बेटी, और ये जिनकी जिंदगी और मौत हमारी मुट्ठी में है, कल तुम्हारी आंखों के सामने हमेशा हमेशा के लिए मौत की गोद में सो जाए। शिवा, तुमने अभी देखा ही क्या? ये तो शुरुआत। दुनिया में बहुत से जालिम इंसान पैदा हुए, लेकिन वक्त ने सबको मिटा दिया। सलाकस, तुम भी कुदरत से टक्कर नहीं ले सकते। याद रखो, एक दिन तुम्हारा भी नामो निशान मिट जाएगा। ये वक्त कभी नहीं आएगा शिवा,
कल सुबह होते ही राखा को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा और इस खुशी में तुम्हें उसके सामने नाचना होगा। नाचना होगा तुम्हें, नाचना होगा। आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का दिन है। आज हम यहाँ के बादशाही नहीं बल्कि खुदा भी हैं। हमारी मर्जी के खिलाफ हवा भी नहीं चल सकती। जमीनों आसमान हमारी मुट्ठी में है। हमारे सामने अपनी अपनी गर्दनें झुका दो और हमारी पूजा करो। पूजा? शिवा, मालूम होता है तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है सलाकस। ताकत के नशे में तुम अपने आप को भी भूल गए। ये गर्दन हक और इंसाफ के सामने झुक सकती है लेकिन जुल्म और सितम के सामने नहीं। वो वक्त आएगा जब तुम अपनी ताकत समेत मिट्टी के ढेर के नीचे दफन हो जाओगी। तुम में इतनी भी ताकत न रहेगी कि तुम अपनी उंगली को भी हरकत दे सको। शीमा! कुदरत इतनी बेरहम नहीं हो सकती सलाकस। कुदरत का इंसाफ जरूर पूरा होगा। हमारा 50वां बादशाह भी जिंदा है। जिंदा नहीं, मर चुका है। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम हमें अपना खुदा मान लो। तुम्हें अपना खुदा मान लूं? एक फरेबी धोखेबाज मक्कार को हरगिज नहीं। हम कहते हैं गर्दन झुकाओ। नहीं नहीं, झुका दो सर।
से गमाना ये सारा, नहीं तेरी दुनिया में अपना गुजारा, नहीं तेरी दुनिया में अपना गुजारा, मेरे टूटे दिल ने तुझे है पुकारा, नहीं तेरी दुनिया में अपना गुजारा, नहीं तेरी दुनिया में अपना गुजारा। Thank you.
इतना दम तो लेने दे या। कहाँ देखा? मेरे ख्याल से चिड़ियाघर में देखा होगा। बादशाह की खिदमत करना तो हमारा फर्ज था बेटा। और बेटा ये उनकी बेटी शीबा और ये है सारे फसाद की जड़ सलोमी। अगर हुजूर का हुक्म हो तो कभी मौत के घाट उतार दिया जाए। इसको माफ कर दिया जाए। मुबारक हो बेटा।